जय भोजपुरी रोवालोक से गुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा मानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। तो चलिए आज के रिपोर्ट में रुवा लोग के हम बतावे जा रहा बनी की जितना भी भोजपुरी के हीरोइन वालो एगो फिल्म खातिर कितना रुपया लेवे लालो। तो चलिए शुरू कर जाओ। तो पहलका नंबर पर आप लोग हम बतावे जा रहा बनी यामिनी सिंह के बारे में, जो की ज्यादातर कल्लू जी के साथ फिल्म काम के लिए बड़ी। और आप लोग बता दी भैया कि यामिनी सिंह एगो फिल्म खातिर 1 से 2 लाख लेवेली। दोनों पर बात कही जाओ काजल यादव के, जरा के आप लोग साई लाल यादव के फिल्म जाल में आइटम सॉन्ग में देखले बन जा। एक अलावा भी कई गो भोजपुरी फिल्म में काम के लिए बड़ी और इहो एगो फिल्म खातिर 1 से 2 लाख रुपया लेवेली। तीसरा नंबर पर बात कही जाओ कनक पांडे जी के बारे में। जी हाँ, कनक पांडे जी जो कि खेसाई लाल यादव के साथ कई गो एल्बम में आप लोग दिखाई दे बड़ी और साथ ही साथ कई गो फिल्म में भी आप लोग दिखाई दे बड़ी। तो आप लोग बता दी भैया कि कनक पांडे भी एगो फिल्म खातिर 1 से 2 लाख रुपया ले। चौथा नंबर पर बात कर लिया आकांक्षा अवस्थी के बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म तबंग सरकार में आप लोग के दिखाई दे रही। तो आप लोग बता दिया कि आकांक्षा अवस्थी जो कि एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लिया प्रियंका रिवारी के बारे में, जो कि पवन पुत्र फिल्म में आप लोग पवन सिंह के साथ दिखाई दे बड़ी और आप लोग बता दी भैया कि एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया ले रही। अब बात कर लिया चांदनी सिंह के बारे में। जी हाँ, चांदनी सिंह जो कि एल्बम के सुपर हिट मॉडल बाड़ी, जो कि खेसारी लाल यादव के साथ अपना बड़ गाना दे चुकल बाड़ी, मिलते मरद हमके भूल गईली, ओकरा बाद कई गो फिल्म में भी काम के लिए बाड़ी। तो आप लोग बता दी भैया कि चांदनी सिंह एगो फिल्म में काम करे खातिर 2 से 3 लाख रुपया लेवेली चांदनी सिंह। अब बात कही जाओ तनुश्री के बारे में, जिनका के आप लोग पवन जी के साथ खेसारी लाल यादव के साथ कई गो फिल्म में देखले बन जा। तो आप लोग बता दी भैया कि तनुश्री भी एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया लेवेली। अब बात कही जाओ संचिता बनर्जी के, भोजपुरी के एगो नई हीरोइन जो कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में आप लोग दिखाई दिली और पवन सिंह के साथ क्रेक फाइटर में आप लोग दिखाई दिली। एक अलावा भी कई गो फिल्म में काम कैले बड़ी। तो आप लोग बता दी भैया कि संचिता बनर्जी भी एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया लेवेली। अब बात कही जाओ प्रियंका पंडित के बारे में, जो कि भोजपुरी के एगो जानी मानी हीरोइन बारी, जो कि पवन जी के साथ खेसारी जी के साथ फिल्म में काम के लिए बारी। तो आप लोग बता दी भैया कि प्रियंका पंडित भी एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया लेवेली। अब रउवा लोग के बतावे जा रहा बानी पूनम दुबे जी के बारे में, जिनका के आप लोग कई गो भोजपुरी फिल्म में देखले बन जा, स्टेज शो में देखले बनी जा। तो आप लोग बता दी कि पूनम दुबे भी एगो फिल्म खातिर 2 से 3 लाख रुपया चार्ज करेली, तब एगो फिल्म में काम करेली पूनम दुबे। अब बात कही जाओ मणि भट्टाचार्य के, जो कि बंगाली फिल्म के हीरोइन ही, लेकिन उनकर खेसारी लाल यादव के साथ जिला चंपारण में भोजपुरी में डेब्यू भेल, तब से धमाल मचा दिली। जी हाँ, पलंगिया सुने न दिया सिंह कर ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ गई। तो आप लोग बता दी भैया कि मणि भट्टाचार्य जो कि एगो फिल्म में काम करे खातिर 3 से 4 लाख रुपया लेवेली। अब बात कही जाओ निधि झा आप लोग के लुलिया के बारे में, जैसे कि आप लोग के मालूम बा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हीरोइन बारी निधि झा लुलिया। और आप लोग बता दी भैया कि निधि झा लुलिया के गाना के वायरल होकर के बाद अपन फीस बढ़ा दे रही और आजकल एगो फिल्म खातिर 3 से 4 लाख रुपया लेवेली निधि झा। अब बात कर जाओ मोनालिसा के बारे में। जी हाँ, मोनालिसा जो कि पवन सिंह के साथ इनकर जोड़ी बहुत ज्यादा हिट भेल, कई गो भोजपुरी फिल्म जो कि दे चुकल बड़ी सुपर हिट हिट। और आप लोग के बता दी कि आजकल भोजपुरी में बहुत कम काम करेली, सीरियल में ज्यादा काम करता रही, लेकिन आज भी एगो फिल्म में काम करे खातिर 5 से 7 लाख रुपया लेवेली मोनालिसा, तब जाके एगो भोजपुरी फिल्म में काम करेली। अब बात कर जाओ पाखी हेगड़े जी के बारे में, जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कई गो ब्लॉकबस्टर फिल्म आप लोग के दे चुकल बड़ी। एक अलावा पवन जी के साथ भी काम के लिए बड़ी, भोजपुरी के हर हीरो के साथ काम के लिए बड़ी। और आप लोग बता दी कि आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपया लेवेली पाखी हेकड़े जी एगो फिल्म में काम करे खातिर। अब बात कर जाओ रानी चटर्जी के। जी हाँ, रानी चटर्जी एगो ऐसा भोजपुरी के हीरोइन है जो कि अपना दम पर कई गो भोजपुरी फिल्म जो कि सिनेमा घर में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट दे चुकल बाड़ी। तो आप लोग बता दी भैया कि रानी चटर्जी एगो फिल्म खातिर 4 से 5 लाख रुपया चार्ज करेली, तब जाके एगो भोजपुरी फिल्म में काम करेली रानी चटर्जी। अब बात कर जाओ रितु सिंह के, जिनका के लवली गर्ल भी कहल जाला। जी हाँ, आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के साथ इनकर कई गो ब्लॉक बास्टर सॉन्ग बा। एक अलावा मेहंदी लगा के रखना फिल्म में आप लोग इनका के बहुत शानदार रोल में देखले रही जा।
ऋतु सिंह भी एगो फिल्म खातिर 3 से 4 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लो अंजना सिंह के। जी हाँ, अंजना सिंह जो कि एगो पॉपुलर हीरोइन बाड़ी, हर एक्टर के साथ काम कैले बाड़ी और सबको इनका साथ काम कर चाहेला। तो आप लोग बता दी कि अंजना सिंह एगो फिल्म खातिर 3 से 4 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लो स्मृति सिन्हा के बारे में, जो कि भोजपुरी के सब हीरो के साथ काम कैले बाड़ी। इनका कोनो भी हीरो के साथ जोड़ी बहुत अच्छा लगेला। तो आप लोग बता दी भैया कि स्मृति सिन्हा भी एगो फिल्म के काम करे खातिर 3 से 4 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लो मधु शर्मा के बारे में। जी हम, यहाँ मधु शर्मा जो कि भोजपुरी के एगो सुपर स्टार एक्ट्रेस बाड़ी, जो आप लोग बता दी कि जितना भी फॉरेन में मूवी शूटिंग होली सब भोजपुरी के, वो हर फिल्म में जो कि मधु शर्मा के जरूर ही लिया जाला। तो आप लोग बता दी भैया कि मधु शर्मा एगो फिल्म खातिर 4 से 6 लाख रुपया चार्ज करेली कि कौन कितना दिन में शूटिंग कम्प्लीट हो गया फिल्म बा। कम दिन में शूटिंग कम्प्लीट हुई तो 4 लाख रुपया लेवेली, ज़्यादा दिन में फिल्म शूटिंग कम्प्लीट हुई तो 6 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लो सुभी शर्मा जी के बारे में, जो कि एल्बम में भी धमाल मचेले बाड़ी, स्टेज शो पर भी धमाल मचावेली खेसारी लाल यादव के साथ, और फिल्म में भी आप लोग इनका के देखे नहीं जाए। तो आप लोग बता दी भैया कि सुभी शर्मा जो कि एगो फिल्म का थी 4 से 5 लाख रुपया लेवेली। अब बात कर लो भोजपुरी के सुपरस्टार और बहुत चर्चित हीरोइन अक्षरा सिंह के बारे में, जो कि आजकल सिंगर भी बन चुकल बाड़ी और एक्ट्रेस से तो बहुत पहले ही बहुत चर्चित रही। तो आप लोग बता दे भैया कि अक्षरा सिंह एगो फिल्म खातिर 7 से 8 लाख रुपया चार्ज करेली। जी हाँ, 7 से 8 लाख रुपया लेवेली, तब जाके एगो भोजपुरी फिल्म में काम करेली अक्षरा सिंह। अब बात कर लो भोजपुरी के सुपर डुपर हीरोइन काजल लगवानी के बारे में। जी हाँ, भोजपुरी के हर हीरो के साथ काम के लिए बड़ी और भोजपुरी में कई गो ब्लॉकबास्टर फिल्म दे चुकल बड़ी, कई गो ब्लॉकबास्टर सॉन्ग भी दे चुकल बड़ी काजल लगवानी। तो आप लोग बता दी भैया कि काजल लगवानी एगो फिल्म खातिर 9 से 10 लाख रुपया लेवेली, तब जाके एगो भोजपुरी फिल्म में काम करेली। जी हाँ, 9 से 10 लाख रुपया लेवेली काजल लगवानी। अब बात कर लो भोजपुरी के सबसे महंगी हीरोइन आम्रपाली दुबे जी के बारे में। जी हाँ, जोना फिल्म में ये अपन जो कि थोड़ा सा भी सीन देवे देवेली तो फिल्म सिनेमा घर में जो कि बॉक्स ऑफिस पर एगो अच्छा खासा कमाई कर लेवेला। यदि थोड़ा सा भी एगो आइटम सॉन्ग भी कर देवेली तो फिल्म अच्छा खासा चल जाली सब बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जोन फिल्म में मेन लीड रोल में रहेली वो फिल्म ब्लॉक बास्टर साबित होला। ये आम्रपाली दुबे के ही सिंगा के यूट्यूब क्वीन कहल जाला, बॉक्स ऑफिस क्वीन कहल जाला। और भोजपुरी में आज के डेट में सबसे महंगा हीरोइन बाड़ी आम्रपाली दुबे। और आप लोग बता दी भैया कि आम्रपाली दुबे एगो फिल्म खातिर 11 से 12 लाख रुपया लेवेली, जो कि भोजपुरी के सबसे महंगी हीरोइन बाड़ी आम्रपाली दुबे। तो आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइजा, और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करीजा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करीजा। और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलत नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।